हर रिश्ते की कीमत चुकाना पड़ती है, माता पिता के रिश्ते की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। मान्यवर, एक बेटी इतनी आधुनिक हो गई, पढ़ लिया लिख लिया, बहुत सुंदर थी, दर्पण में 10 बार चेहरा देखती थी, अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था उसे, घमंड था, बहुत आधुनिक हो गई थी, मां से प्यार नहीं करती थी। मां ऐसी थी, हमेशा जब मां की बात होती है ना तो बेटों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आजकल बेटियां भी कुछ कम नहीं है, ध्यान रखना, वो मां की इज्जत नहीं करती थी, मां से प्यार नहीं करती थी। जब छोटी थी तो मां उसे स्कूल की बस में छोड़ के आती थी, हाथ दिखाती थी, वाय वाय करती थी। वो बेटी रूखी सी मुस्कुराहट देके जब तक बस आंखों से ओझल ना हो जाए, मां खड़ी रहती थी, देखती रहती थी, देखती रहती थी, आंखों में जब तक देखने की शक्ति है वह बस की ओर निहारा करती थी। मेरी बेटी बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़की बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वजह क्या थी? मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पागल हो गए हैं लोग। वजह यह थी कि वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, बेटी खूबसूरत थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, नादान है। बोलो पागलो, दुनिया में हर चीज में सुंदर बदसूरत देख लेना, मां से सुंदर दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। मां गोरी हो, काली हो, मां कैसी भी हो, मां मां होती है, मां से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। बीबियां देखना सुंदर है या नहीं, मां मत देखना सुंदर है या नहीं, मां तो मां होती है, मां से ज्यादा सुंदर कौन होता है। हम तो उस देश के लोग हैं जहां विकराल रूप रखे, नरमुंड की माला पहने, काला रूप धारण किए, विकराल रूप धारण किए हो, जो देखने में बड़ी बीभत्स लगती हो, हिंदुस्तान उसे भी काली माता कहकर के बुलाया करता है। ध्यान रखना, मां के चेहरे नहीं देखे जाते, मां का सौंदर्य नहीं देखा जाता, मां के दिल से बड़ा सुंदर दिल तो दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता है। बेटी को नफरत थी, उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती थी कि इसकी मां बिल्कुल गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी। पढ़ी लिखी तो थी, वही गांव जैसा पहनावा पहनती थी, सिर ढक करके जिया करती थी। उसने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उस मां ने उल्लंघन नहीं किया, अनपढ़ थी ना, लड़की को बड़ी शर्म आती थी कि मेरी मां अनपढ़ है, गंवार है, गांव जैसी है, पिछड़ी जैसी है। जब जब उसकी सहेलियां आती वो मां से नहीं मिलती थी। मां एक दिन स्कूल गई टिफिन लेकर, बच्ची भूल गई, जैसे ही जाकर के स्कूल में पहुंची, वॉचमैन से कहा मेरी बेटी को बुला दो। बोले ऐसे नहीं आ सकती, क्लासरूम चल रहा है, क्लास चल रही है, छुट्टी में मिलेगी। 10 मिनट की छुट्टी हुई, मां दरवाजे पे खड़ी, मेरी बेटी ये टिफिन भूल आई तू। लड़कियों ने कहा कौन है ये गंवार, उसकी सहेलियों ने कहा। उस दिन पहली बार बेटी ने कहा कि हमारे घर की काम वाली है। मां का सीना छलनी हो गया। उस बेटी ने झूठी शान शौकत के खातिर ऐसा तीर जुबाने वाला शब्द बोला, ये मेरी मां नहीं, ये मेरे घर की काम वाली है। इतना सुना मां का कलेजा फट पड़ा। उसने कहा ये बेटी कहती है कि ये काम वाली है। आंखों में आंसू भरे लौट आई निराश घर लौट कर, फिर भी मां का दिल था ना, बेटी से नफरत नहीं कर सकी, बहुत चाहती लड़की को, जो कहती वही काम करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती। एक दिन लड़की का रिजल्ट आया, 12th में पढ़ रही थी, बहुत होशियार थी पढ़ने में। एक दिन रिजल्ट आया, 97% उसके स्कूल में आए, बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने,
पापा का इंतजार कर रही थी। सो गई, पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे। बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना? 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। माँ रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को, पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी माँ, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, बाय बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया माँ को, उस माँ ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत तू क्या मार्कशीट देखेगी। आंखें भर आई उस माँ की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई, पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं, बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। माने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो, माँ माँ होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। माँ गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी, पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए माँ थी, प्यार के लिए माँ नहीं थी। माँ ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गई। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए, माँ को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में, जैसे ही पहुंचे माँ ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया। बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे, डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, माँ का मिल गया, माँ ने कहा मेरा खून निकालो, एक बॉटल खून निकाला, जबकि माँ को खून की कमी थी, लेकिन उसने कहा नहीं मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो, ब्लड निकाला उस माँ का, बदकिस्मती को देखो माँ के शरीर में खुद खून की कमी है। एक बॉटल खून निकाला, लेकर के डॉक्टर गया उसे ऑपरेशन थिएटर में, अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया, एक बोतल खून मिला वो भी बिखर गया, यदि उसे अब खून ना मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। माँ ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून, डॉक्टर ने कहा आप नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला, माँ की पल्स डाउन होने लगी,
बीपी चला जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने माँ ले जा करके बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है, मैं अस्पताल में हूं, पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा, बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा, वो तेरी अनपढ़ गंवार माँ ने तुझे खून दिया, लेकिन मेरी बेटी तू जानती है तेरी माँ को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है, मेरी माँ। देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है, एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उस अनपढ़ की कोई कद्र ना की जीवन में। हाँ, तेरी माँ अनपढ़ थी, जब तू रात रात पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी, वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी, पढ़ी लिखी होती ना तो वो भी मॉडर्न बन करके घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी, तेरी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना बेटी, वो अनपढ़ थी, अनपढ़ थी तेरी माँ, यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना तो किसी और का बच्चा गोद में नहीं लेती, तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो ऐसी अनपढ़ माँ थी, और पढ़ी लिखी होती ना तो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की जिंदगी गुजार देती, मॉडर्न बन करके रहती, वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, पढ़ी की है, वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा अपमान सहन करती थी, वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी, वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था, तुझे छाती से लगाकर उसने पाला था, वो एक अनपढ़ औरत थी, दुनिया में ध्यान रखना, पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती, वो अनपढ़ थी जिसने अपने प्राण निछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई, वो गई मां की मृत देह के पास, पैर भारी हो रहे हैं, आंख भर रही है, भगवान से कहती है कि भगवान एक बार मेरी मां को वापस लौटा दे। बाप ने कहा, बेटा वो तो गई, जो गई वो कभी लौट के वापस, लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि एक अनपढ़ मां से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा कि पापा, मैंने तो केवल कागज में 97% लाए हैं, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ होकर जिंदगी में 100% पाकर की दुनिया से चली गई। पिताजी, आज मुझे लग रहा है कागजों में नंबर नहीं, नंबर तो जिंदगी में ज्यादा आना चाहिए, जीवन में नंबर ज्यादा आना चाहिए, और आज मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी थी, और मैं पढ़ करके भी गंवारों का जीवन जी रही हूं। पिताजी, किताबों को पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, जो किसी की भावनाओं को नहीं पढ़ सकता उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा। पिताजी, आपने रात छुपा के रखा कि मैं उसकी पैदा की हुई बेटी नहीं थी, अरे इतना प्यार तो पैदा की हुई बेटी नहीं दे पाती है। पिताजी, आज मुझे इतनी सी बात समझने में इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, तब मुझे जीवन का सत्य समझ में आया। सूरत वालों,
उस लड़की को तो माँ की कुर्बानी देने की बात समझ में बात आई, क्योंकि उसके सामने कोई पुलक सागर नहीं था। मैं हूँ, समझो माँ बाप की कीमत क्या होती। मान्यवर, ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, ज्ञानी बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, आप बोल तो देते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, वही काम जब आप करते हैं, ध्यान रखिए, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना चैनल का, ये मुझे देख रहा है, ध्यान रखना, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मुझे ये सुन नहीं रहा, ये देख रहा है मुझे। और एक बात याद रखना, छोटे बच्चे को कभी देखना, छोटा सा बच्चा जब धरती पर पैदा होता है ना, तो टकटकी लगाकर देखता है। हमारी पलकें ज्यादा झपकती हैं, बच्चों की पलकें नहीं झपकती हैं, वे टकटकी लगाकर किसी भी चीज को देखते रहते हैं। जैसे ये कैमरा मुझे टकटकी लगाकर देख रहा है, अब जो जो एक्शन मैं करूंगा वही वही कैमरा दिखाएगा, वही वही वह ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करेगा वो टीवी पर ले जा करके दिखा देगा। तो बच्चे की आंख भी एक कैमरा ही हुआ करता है, और जो जो सुबह शाम आप करते हैं बच्चा रिकॉर्ड करते जाता है, और जो बच्चा रिकॉर्डिंग करता है वही बच्चा दुनिया के सामने वैसा प्रस्तुत हो जाया करता। आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में बड़े होके हमारा सम्मान करे, तो मेरा निवेदन है आज से ही अपने घर में बड़ों का सम्मान शुरू कर दीजिए। जो आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। ध्यान रखना, अलग से नहीं सीखेगा, तुम्हारे घर की बातें सीखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला कराया, एक स्कूल में एडमिशन कराया, और जैसे ही पहले दिन बच्चा स्कूल में गया, अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के साथ एक पत्र लिख करके भेजा कि ये पत्र तुम अपने क्लास टीचर को दे देना, और पढ़ने से पहले ये खत उनके हाथ में जरूर पहुंचाना। बच्चा गया स्कूल, जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, क्लास टीचर आए, बच्चे ने कहा कि गुरुदेव सर, ये पत्र मेरे पिता ने आपके नाम लिखा है। होश उड़ गए टीचर के कि राष्ट्रपति का बच्चा और मेरे नाम पत्र। उसने पत्र खोला, पत्र में लिखा था, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज मेरा बच्चा पहली बार स्कूल में आया है, और मेरे बच्चे को आप अच्छी शिक्षाएं प्रदान करना। मैं शिक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि जब मेरे बच्चे को पढ़ाओ तो ये सोच कर मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा है, बल्कि ये सोचकर पढ़ाना कि ये किसी देश का भविष्य तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये किसी देश की ताकत बैठी हुई है, एक इंसान का बच्चा है। मेरे बच्चे के सामने कोई VIP व्यवस्था ना रखी जाए, और मेरे बच्चों को केवल अक्षरों का ज्ञान मत देना। शिक्षक महोदय, इसे किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव का ज्ञान ज्यादा प्रदान करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो या ना हो, डिग्री हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर IAS अफसर बन के निकले या ना निकले, लेकिन आपकी शिक्षाओं से मेरा बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बन करके स्कूल से निकले। ये राष्ट्रपति आपसे निवेदन करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, किताबी ज्ञान ही नहीं, मेरे बच्चे को सिखाना कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, बुजुर्गों के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए, और मेरे बच्चे को समझाओ कि छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए। और शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है
कि मेरे बच्चे को ये मत सिखाना कि जिंदगी रेल की पटरी पर भाग रही है, मेरे बच्चे को एक चीज सिखाना कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। उसे समझाओ कि जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सीढ़ियों का सहारा देकर तुम्हें ऊपर चढ़ाएंगे, और जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने बनकर सांप के समान डसेंगे और जिंदगी को नीचे ला करके पटक देंगे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है, यहां चढ़ाने वाले भी मिलते हैं और यहां उतारने वाले भी प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सीढ़ी भी मिलेगी और सांप भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को ये संस्कार देना कि जब जिंदगी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी जाए तो अहंकार में फूलना मत, और जब कोई सांप डस ले तो निराशा में जिंदगी को बर्बाद करना मत। ध्यान रखिए, उस शिक्षक के लिए राष्ट्रपति ने निवेदन किया, मान्यवर आपका बच्चा स्कूल जाता है क्या? मां बाप होने के नाते आपने क्लास टीचर को यह बोला है कि मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना? नहीं बोला ना। क्लास टीचर यदि मार दे तो तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो, तुम उसके खिलाफ केस करने को तैयार हो जाते हो। और हमारा एक जमाना था, यदि स्कूल में मार पड़ती थी तो घर में आके डबल मार पड़ा करती थी कि शिक्षक ने यदि तुझे मारा है तो जरूर तूने कुछ गलतियां की होंगी। हमें कभी प्रोत्साहन नहीं मिला करता था, हमें कभी नहीं कहा जाता था कि टीचर ने मारा है तो चलो हम उससे बात करेंगे। उन्होंने कहा तुमने गलत काम किया होगा इसलिए गुरु ने तुम्हारी पिटाई की। और जब हम रोते रोते घर आ जाते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं है, गुरु ने मारा है ना, अरे मार पड़ेगी धम धम और विद्या आएगी छम छम। ध्यान रखिए बेटे, ये गुरु का डंडा नहीं है, ये तेरी बुराइयों पर किया गया प्रहार हुआ करता है। कहां गए वो संस्कार, कहां गई वो शिक्षाएं? विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूलों में बच्चों को नाजायज मारना चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूं मेरे भाई, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, शिष्य और सीसी में जब तक डांट नहीं लगेगी, सीसी में डांट, ढक्कन, ढक्कन को डांट कहा जाता है, सीसी में भी डांट होना चाहिए और शिष्य में भी डांट होना चाहिए। शिष्य और सीसी में डांट नहीं लगेगा तो सीसी भी डूबेगी और शिष्य भी डूब जाएगा। ध्यान रखिए, मान्यवर निवेदन करिए, क्या आपने कभी स्कूल में जाकर क्लास टीचर से कहा है? आज हर मां बाप को ये चिंता है कि मेरा बेटा MBA कर ले, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा वकील बन जाए, मेरा बेटा अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। कोई मां बाप भी नहीं सोचता है कि मेरा बेटा सच्चा और अच्छा इंसान बन जाए। ध्यान रखिए, मैं आपसे कहता हूं एक सच्चा और अच्छा इंसान 100-100 इंजीनियर और डॉक्टर से बढ़ करके हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि गलत आदमी डॉक्टर बन गया तो याद रखना वो कभी देश को समाज की भलाई नहीं कर सकता है। गलत आदमी इंजीनियर बन गया, गलत आदमी व्यापारी बन गया, देश समाज और परिवार को बर्बाद ही करेगा, वो ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, थोड़ी चिंता कर लिया करो कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। आज मां बाप को वो चिंता नहीं है लेकिन हम संतों को चिंता है। इसलिए ज्ञान गंगा महोत्सव में मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें भगवान बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा, एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें यहां बुलाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान भविष्य का भगवान हुआ करता है। मेरे भाई, जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान क्या बनेगा? दुनिया से भागते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए, मान्यवर विचार कर, अच्छा इंसान की जरूरत है इस देश को, अच्छे आदमी की जरूरत है इस देश को, तुम्हारे परिवार की खुशहाली के लिए अच्छे बेटे की जरूरत है। ध्यान रखिए, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया तो सारी दौलत को बर्बाद करके रख देगा, और पूत यदि सपूत निकल गया, एक रुपया भी ना दो तो भी लाखों की दौलत कमाकर अपने पिता को दिखा देगा। किसके लिए सोचते हो? अच्छा व्यक्ति बनाइए मान्यवर।
शिक्षकों के भरोसे जिंदगी मत काटना, ये वेतन भोगी हैं, इन्हें केवल मार्कशीट पकड़ाना है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या करता है। वो तो कहेंगे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम जानो। इस ध्यान रखना, अक्षरों का ज्ञान देना स्कूल के टीचर का काम है, और अनुभव का ज्ञान देना माँ बाप का काम हुआ करता है, वो आपका दायित्व हुआ करता है। आप विचार करिए, गौर करिए अपने बच्चे पर, छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। आपकी एक साधना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप समझदार प्राणी हैं, जानवर ना समझ प्राणी है। ध्यान रखना, जन्म देना ही कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, जीवन देना उससे बड़ी प्रक्रिया होती है। जन्म की साधना तो केवल 9 महीने होती है, लेकिन जीवन की साधना तो जिंदगी भर करना पड़ती है, तो भी जीवन कम पड़ जाया करता है। जिंदगी भर की साधना है, एक तपस्या है। मान्यवर, बच्चों को लाड़ प्यार ही नहीं, संस्कार भी दो। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास रुपया है, बच्चा कहता है मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल दे देते हैं। बच्चा कहता है लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप दे देते हैं। दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए, बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, आप मोटरसाइकिल दिला देते हैं। और बच्चा कहता है कि कार चाहिए, आप कार दिला देते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे बच्चों को ना तो मोबाइल दे सकता हूँ, ना तुम्हारे बच्चों को मैं लैपटॉप दे सकता हूँ, ना तुम्हारे बच्चों को मोटरसाइकिल दे सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे बच्चों को महंगी महंगी कार दे सकता हूँ। लेकिन पुलक सागर के इस यहाँ पर आएंगे, पुलक सागर के दरबार में आएंगे, तो ध्यान रखना एक कार मैंने भी रखी है अपने पास, और वह एक कार है जो मैं सारे देश को दिया करता हूं। आज तुम्हारा बच्चा रूठे कार के लिए, तो एक बार उसे मेरे पास लेकर के आना, मैं उसे कार दिलाऊंगा। ध्यान रखना, मेरे पास अल्ट्रो तो नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, वेगनार नहीं है, मेरे पास यदि कोई कार है तो एक कार है जिसकी हर घर को आवश्यकता है। और पुलक सागर के पास कोई कार है तो वह संस्कारों की कार है। संस्कार की कार पकड़ा दी जाए तो जिंदगी अपने आप समर। संस्कार की कार वाटा करता हूं, संस्कार की कार में बैठो तो जीवन को आनंद में परिवर्तित कर दीजिए। मान्यवाद, सोचना है बच्चों का जीवन बनाने से पहले हमें अपना जीवन बनाना जरूरी है। बच्चे दर्पण हैं, जो हम करते हैं वो बच्चों को दिखाई देता है, और जो दिखता है बच्चा वही सीखता है। एक बात ध्यान रखना, 21वीं सदी है, ज्यादा औलाद को सिखाने की कोशिश मत करना। तुम कुछ सिखाओगे उससे पहले वो तुम्हें सिखा के रख देगा। संभलो इस औलाद से, सबके मुंह लग जाना, बच्चों के मुंह कभी मत लगना। बड़े होशियार होते हैं ये बच्चे, बड़े होशियार होते हैं। आज के युग में 21वीं सदी में मूर्ख बच्चों का पैदा होना बंद हो गया है। अब बुद्धू औलाद पैदा नहीं हुआ करती है, अब तो बहुत समझदार औलाद पैदा हुआ करती है, बड़ी पढ़ी लिखी औलाद पैदा हो रही है। जो तुम्हें नहीं आता वो बच्चों को आ जाता है। हो सकता है कि आपको पूरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता हो, और आपकी औलाद खटखट मोबाइल चला करके दिखा दे, आपसे कह देगी पापा तुमको तो कुछ आता ही नहीं। बच्चे बड़े होशियार, बच्चों को ज्यादा सिखाने की गलतियां मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक निवेदन है मेरा, ये बच्चों को सिखाओगे तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, सिखाने से नहीं सीखेंगे। एक पति पत्नी मेरे चरणों में आए, छोटा सा बच्चा था। बच्चों ने कहा बेटा महाराज के पैर पढ़ो, महाराज को नमस्कार करो, महाराज को नमोस्तु करो। बच्चा करने को तैयार नहीं, वो तो अकड़ के खड़ा। अरे बोले बेटा नमोस्तु, बोले नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा गाजा जब है भाई,
चार साल का बच्चा वो माँ बाप का कहना मानने को तैयार नहीं। बोले बेटा ऐसा नहीं है, गलत बात, बहुत गंदी बात है, महाराज हैं, इनको प्रणाम करिए, इनको नमस्कार करिए। बोले नहीं करूंगा नमस्कार। अरे तो बच्चे माँ बाप बड़े शर्मिंदा हुए कि यार महाराज हम करें क्या, ये झुकी नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं झुकेगा, ये 21वीं सदी की औलाद है, ऐसे झुकने वाला नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है, बच्चा तो अभी झुक जाएगा। तो बोले कैसे झुक जाएगा बच्चा। मैंने कहा बच्चे के उसने क्या किया, उसकी माँ ने बच्चे की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती मेरे पैरों पे रख दी। बच्चा गर्दन उठाए जा रहा है, माँ बाप गर्दन दबाए जा रहे हैं। मैंने कहा रुको, बहुत गलत तरीका, ऐसे बच्चा प्रणाम नहीं करेगा। छोटा सा था, 3 साल का होगा, 4 साल का। मैंने माँ बाप से कहा बच्चे की गर्दन छोड़ो, बच्चे की गर्दन से हाथ हटाओ। माँ बाप ने हाथ हटाया। मैंने कहा तुम दोनों हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। बच्चा छोटा सा था, उसने ऊपर देखा, मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे, बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा अब तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो। जैसे ही उन्होंने धोख लगाई, बच्चा भी लेट करके प्रणाम करने लगा। मैंने कहा ध्यान रखना, 21वीं सदी है, ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। जो आप दिखाएंगे बच्चा वैसा सीख जाए। ध्यान रखना है, बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना, आपको जिंदगी भर तपस्या करना पड़ेगी। बच्चों की परवरिश करो। कैसे करना है उनकी परवरिश? सिखाने से नहीं, दिखाने से। जो आप दिखाएंगे बच्चा वही करेगा। दो बच्चे लड़ रहे थे, मैंने बुलाया। मैंने कहा बच्चे लड़ते क्यों हो? बोले किसने कहा हम लड़ रहे थे? अरे मैंने कहा यार तू उसको मार रहा था, गाल में चांटे लगा रहा था। बोले हम लड़ थोड़ी रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, कोई ड्रामा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई प्रैक्टिस कर रहे थे? बोले नहीं महाराज, हम ना लड़ रहे थे ना कोई ड्रामा कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो रहा था, तुम मार तो रहे थे उसके गाल में? बोले मैं मार नहीं रहा था महाराज, हम दोनों बच्चे तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे थे। अब विचार करिए। मैंने कहा मम्मी पापा ऐसे होते हैं? बोले हाँ ऐसे ही तो मम्मी को मारते हैं, वही खेल हम यहां पर। ध्यान रखना, जो तुम करोगे बच्चा वही सीखेगा। ध्यान रखना।